What's up guys, Sanjoy Keer here. Welcome to IFL. दाल तड़का और जीरा राइस बना रहा हूँ, और ये जो दाल तड़का है वो जो रेस्टोरेंट में ढाबे में मिलती है वैसी वाली दाल तड़का बनाने वाला हूँ। अब घर पर जब ये दाल बनाते हैं तो काफ़ी अलग बनती है, पड़ता तो दोनों दालों में सेम है, तड़का भी वही होता है, दालें भी वही होती है, पर वो रेस्टोरेंट में या ढाबे पर दाल अलग क्यों टेस्ट करती है? उसमें इंग्रेडिएंट तो कोई और डालते नहीं है, फिर भी दाल अलग बनती है। उसका एक रीज़न होता है, उसमें एक टिप है, एक चीज़ है जो रेस्टोरेंट्स में ढाबे में की जाती है और उसकी वजह से वो दाल वैसे बनती है। वो चीज़ क्या होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, घर पर वही सेम दाल कैसे बनती बताने वाला हूँ। दाल तड़का एक बार बन जाएगी, उसके ऊपर फिर एक मेरे स्टाइल का डबल तड़का लगाएंगे और फिर जीरा राइस बनाने वाला हूँ। जीरा राइस, दाल तड़का, तंदूरी रोटी, साथ में प्याज, मिर्ची, नींबू, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा पापड़, ब्यूटीफुल परफेक्ट मील होता है, वही वाला मील आपको बता रहा हूँ आज। सबसे पहले वो रेस्टोरेंट वाली ढाबे वाली दाल तड़का कैसे बनाई जाती है, वो सीक्रेट क्या है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में आधा कप तुअर दाल यानी अरहर की दाल, 2 टेबलस्पून चना दाल और 2 टेबलस्पून मसूर की दाल ऐड कर दीजिए। अब इसमें ढेर सारा पानी डालकर आपको अच्छे से दालों को धो लेना है। दालों के ऊपर काफ़ी पाउडर, पेस्टिसाइड्स वगैरह लगे होते हैं, उन्हें अच्छे से धो लेना है जब तक कि दाल को धोते समय पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाए। एक बार आपने दालों को अच्छे से धो लिया है, इसमें काफ़ी सारा पानी डालकर दालों को अभी सोक कर लेना है। आधे से एक घंटे के लिए दाल को सोक कर लीजिए। आधे से एक घंटे बाद आप देखेंगे दाल आपकी इस तरीके से फूल जाएगी, सोक हो जाएगी अच्छे से। ये जो पानी है उसे निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद इस सोक की हुई दाल को, भिगोई हुई दाल को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में एक स्लिट की हुई हरी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 इंच अदरक के लच्छे और दाल से तिगुना यानी कि 3 टाइम्स पानी आपको डालना है। तो लगभग इधर 2 कप + 1/4 कप, 2.5 कप तक पानी आप डाल सकते हो। ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाकर मीडियम हाई फ्लेम पर आपको 3 से 4 विसल्स के लिए इस दाल को पका लेना है। एक बार दाल को आपने सीटी लगाकर पका दिया, कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए, हवा जो है स्टीम है उसको निकलने दीजिए, सीटी को चेक कर लीजिए, फिर ही आप ढक्कन खोलिए। जो हरी मिर्च डाली थी उसे निकाल लीजिए। आप देख सकते हो दाल हमारी पक चुकी है। इसको बस हल्का सा स्टर कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि दाल एकदम ऐसे सूप जैसे भी नहीं बन गई है, हल्की हल्की टेक्सचर भी है इसके अंदर और दाल हमारी अच्छे से पक भी चुकी है। ऐसी ही दाल आपकी पक जानी चाहिए। तो दाल को हमने अभी पका लिया है। रेस्टोरेंट्स में भी, ढाबों में भी इस तरीके से दाल को उबाल कर रख लिया जाता है, उसके बाद जब भी ऑर्डर आता है तो तड़का लगाया जाता है एकदम फ्रेश। तो जो फ्रेशनेस है तड़के की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी दाल तड़का इस तरीके की बना रहे हो या दाल कोई भी तरीके की बना रहे हो तो तड़का फ्रेश लगा और सर्व कर दो, वो दाल का जो टेस्ट है बहुत बेहतर आता है। अब तड़का लगाते समय दाल को हमेशा रेस्टोरेंट्स या ढाबों में एक फ्राई पैन में तड़का लगाया जाता है। इस तरीके का एक फ्राई पैन होता है, तो फ्राई पैन ले लीजिए। फ्राई पैन जो है आपका वो लोहे का होना चाहिए, कार्बन स्टील का होना चाहिए या स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। नॉनस्टिक आप फ्राई पैन मत लीजिए, तो आपका जो तड़का है आप इजीली लगा पाएंगे। ये फ्राई पैन में क्यों तड़का लगाया जाता है मैं अभी आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। जो मैंने आपको सीक्रेट बोली थी वो उससे रिलेटेड है ये। तो अब इस फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार आपका फ्राई पैन गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी ऐड करने के बाद घी को भी गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डालिए, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चॉप किया अदरक, 1 टेबलस्पून चॉप किया लहसुन, 2 से 3 चॉप की हरी मिर्च। ये सारी चीज़ों को मीडियम आंच के ऊपर बस 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। एक बार अदरक लहसुन को आपने भून लिया है तब इसके अंदर 1 चॉप किया प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज ऐड करके अभी हाई फ्लेम पर आपको अभी प्याज को भूनना है जब तक कि ये हल्का सा कलर चेंज करना नहीं शुरू कर देता है। तो ट्रांसलूसेंट हो जाए एक बार प्याज, हल्का हल्का रंग पकड़ने लगे तब तक आपको पकाना है। इस स्टेज पर इसके अंदर 1 चॉप किया टमाटर ऐड कीजिए, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर आपको कुक करना है। आपकी सारी जो कुकिंग है तड़के की यहाँ पर हाई फ्लेम पर होएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटरों को 2-3 मिनट के लिए कुक कर लीजिए जब तक ये हल्के से मशी होना नहीं शुरू हो जाते हैं। हाई फ्लेम पर जब कुक करोगे तो इसमें से थोड़ा सा पैन में धुआं आना शुरू होएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टमाटर हल्के से गल जाएं तब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी या देगी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 चुटकी भर गरम मसाला डालकर फटाफट से स्टर कीजिए। अब हल्का सा पानी का छींटा इसमें मारिए और अपने पैन को हल्का इस तरीके से टिल्ट कीजिए और अच्छे से शेक कीजिए।
आप देखेंगे कि पैन के आजू बाजू में से फ्लेम्स आएंगी, थोड़ा केयरफुली कीजिए, ऑब्वियसली इसमें हैबिट नहीं होगी आपको, केयरफुली कीजिए। तो आप जब टिल्ट करके इस तरीके से तड़के को पकाते हैं तो फ्लेम्स आपके पैन में आती हैं, धुआं आता है और ये स्मोकी फ्लेवर जो है वो दाल में आता है। ये सीक्रेट है वो रेस्टोरेंट या ढाबे वाली दाल की जिसमें वो स्मोकी फ्लेवर आता है, और वो ये प्रोसेस से आता है, एकदम हाई फ्लेम पर पकाया जाता है और इस तरीके से धुएँ आने चाहिए और हल्की सी फ्लेम्स जो हैं आपके तवे में आनी चाहिए। एक बार आपने इस तरीके से बस तड़के को कुछ ही सेकेंड्स के लिए पका लिया है, आपका काम हो गया है। इसके अंदर आप दाल ऐड कर दीजिए जो हमने पकाई हुई थी और अच्छे से तड़के को दाल के साथ मिला लीजिए। दाल को एक बार अच्छे से तड़के के साथ मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक दाल को आपको तड़के के साथ अच्छे से उबालना है। 2 से 3 मिनट के बाद एक चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून मक्खन और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए। अच्छे से सारी चीज़ों को फिर से मिला लीजिए। आप देख सकते हो कि हमारी दाल की जो कंसिस्टेंसी भी है वो थोड़ी सी गाढ़ी है, रेस्टोरेंट और ढाबे की दाल हल्की सी गाढ़ी ही होती है। आप पतला करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। हल्की सी दाल को इस तरीके से गाढ़ी ही रहने दीजिए और आप देख सकते हो हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल दाल तड़का रेडी हो गई है। तो दाल तड़का तो हमारी रेडी हो गई है और बहुत अमेजिंग बनी है। अब दाल तड़का जो रेस्टोरेंट्स में बनती है और घर पे बनती है उसमें कुछ डेफिनेटिव चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं। एक तो घर पे जब भी हम दाल बनाते हैं यूजुअली पतली दाल बनाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स और ढाबों में दाल मिलती है थोड़ी सी गाढ़ी होती है, इसलिए पहली तो वो एक कंसिस्टेंसी का डिफरेंस आ जाता है। दूसरी बात, जो रेस्टोरेंट्स और ढाबों में तड़का दिया जाता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है, घर पे हम थोड़ी सी सिंपल दाल बनाते हैं, बाहर जाते हैं तो वो हल्का सा तीखा होता है, हरी मिर्ची ज़्यादा होती है, थोड़ा सा तेज़ बनाते हैं तड़का, तड़का का क्वांटिटी भी जो है दाल के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। और मेन चीज़ जो मैंने आज आपको एक वो सीक्रेट बात बताई है कि इंग्रेडिएंट जो है हमेशा कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट नहीं बट प्रोसेस से भी फ़र्क पड़ जाता है टेस्ट के अंदर। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि तड़का जब भी लगाते हैं हल्का सा पानी का छींटा मारते हैं या बिना भी पानी के छींटा मारे, वो जो स्मोक आता है एकदम हाई फ्लेम पर कुक करने से, उससे वो स्मोकीनेस आ जाती है तड़के के अंदर और दाल के अंदर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है घर वाली दाल में और रेस्टोरेंट वाली दाल में, इसलिए फ्राई पैन में आज हमने दाल बनाई है। पानी छिड़कने के बाद आप जब पैन को थोड़ा सा मूव करते हो फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम के ऊपर, तो फ्लेम भी हल्की हल्की पैन के अंदर आती है और वो स्मोक आता है और वो फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया लगता है ये वाली दाल के अंदर, और वो दाल में जो बाहर आप खाते हो यही फ्लेवर होता है, इससे वो अलग टेस्ट करती है। जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आग जो है ज़्यादा है और आप अपने आप को जला लो, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है प्रोसेस को तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक टिप है, एक तड़का पैन ले लीजिए और तड़के वाले पैन में ये प्रोसेस कीजिए, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए प्रोसेस करना, और बाकी का फिर प्रोसेस एक फ्राई पैन में आप कर सकते हो। तो ये एक टिप नोट कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो प्रोसेस, बट वो जो स्मोकी फ्लेवर है वही इस रेसिपी में गेम चेंजर है, तो उसी तरीके से वो परफेक्ट रिजल्ट्स आपको ढाबे वाले आएंगे इस दाल तड़के में। इसमें एक स्टेप बाकी है, इसमें एक तड़का देना है ऊपर से, वो लास्ट में देंगे, उसके पहले जीरा राइस कैसे बनता है, वो परफेक्ट एकदम राइस खिले खिले बने, एक एक दाना बने, कैसे बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 1 कप बासमती चावल ले लीजिए। अब इसमें ढेर सारा पानी डालकर आपको हल्के हाथों से चावलों को अच्छे से धोना है, जब तक कि पानी जो है जिसमें आप चावल धो रहे हैं वो एकदम क्लियर नहीं आ जाए। एक बार पानी क्लियर हो जाए तो चावलों को अब फ्रेश पानी के अंदर, ढेर सारे पानी के अंदर आपको सोक करना है लगभग आधे से पौने घंटे के लिए। चावल आपने एक बार आधे से पौने घंटे के लिए सोक कर लिए हैं तो इसका ऊपर का जो पानी है उसको निकाल दीजिए। अब एक बड़े से बर्तन में पानी को रोरिंग बॉइल पे ले आइए, अच्छे से पानी उबलता होना चाहिए। इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए, साथ ही मैं यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नींबू का रस साथ में छिलका भी ऐड कर रहा हूँ, इससे चावल थोड़े खिले खिले बनते हैं और कलर एकदम वाइट आता है। अब इसके अंदर भिगोए हुए चावलों को हमें ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट में ही आपके चावल एकदम अच्छे से पक जाएंगे। चावलों को आपको बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बस 1-2 बार बीच में स्टर किया, 4 से 5 मिनट देखा, 4 से 5 मिनट के बाद देखोगे कि चावल के दाने एकदम खिल जाएंगे। टेस्ट करने के लिए बेस्ट तरीका ये, 2-3 चावल के दाने लीजिए, उन्हें चख लीजिए, अगर इसमें हल्की सी बाइट रह गई है मतलब आपके चावल एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। तो यहाँ पर चावलों को अच्छे से पका लिया मैंने, इन्हें छानने के लिए एक झारे से मैं चावल को निकाल रहा हूँ और एक छन्नी में डाल रहा हूँ। चावलों को छानने के बाद इन्हें एक छन्नी में ही रहने दीजिए ताकि एक्सेस जो पानी है वो निकल जाए। अब एक फोर्क लेके इसको हल्का सा इस तरीके से मूव कर लीजिए हल्के हाथों से ताकि जो एक्सेस स्टीम है वो भी निकल जाए। चावलों को इसी तरीके से अभी 10-15 मिनट तक रेस्ट करने दीजिए जब तक कि हल्के से ठंडे नहीं हो जाए तड़का देने से पहले।
एक बार चावल आपके हल्के से ठंडे हो जाएं, एक वॉक के अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कीजिए। घी एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड कीजिए। जीरा जैसे ही डालें, जीरा क्रैकल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर चावल ऐड कर दीजिए, साथ ही में थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए। और अब चावलों को हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए या टॉस कर लीजिए तड़के के साथ। चावलों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, लगभग 1-2 मिनट आप पका लें बस तड़के के साथ। चावल अच्छे से गर्म हो जाएं, तड़के के साथ मिल जाएं, और ये आप देख सकते हो हमारे जीरा राइस रेडी हो गए। लेट्स प्लेट आर दाल तड़का एंड जीरा राइस वाईएफएल स्टाइल। दाल तड़का और जीरा राइस ब्यूटीफुल बनते हैं ये वाली रेसिपी से। ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल दाल तड़का रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।